हेलो दिनडम बिरयानी के व्लॉग में आपका एक बार फिर से वेलकम है। हमारे साथ जिलानी भाई है और हम इस वक्त फिलहाल है कोलकाता और हावड़ा ब्रिज के बीच, जो न्यू हावड़ा ब्रिज है उस पर, जो पीछे देख सकते हैं आप। ब्रिज की खासियत ये है कि इस ब्रिज में एक भी पिलर नहीं है। इधर दो पिलर है हावड़ा में और दो पिलर कोलकाता में, बीच में एक भी पिलर नहीं है। और ये हुगली रिवर के ऊपर ब्रिज बनाया गया है 1943 में। इसका नाम जब रखा गया था न्यू हावड़ा ब्रिज, अभी फिर बाद में 1965 में इसका नाम चेंज करके रविंद्र सेतु रख दिया गया था। हमारे साथ में हमारे डोरेमोन साहब और हमारे समीर भाई भी है साथ में। और डोरेमोन साहब कैसा देखा ब्रिज? ब्रिज पूरा वाइब्रेट हो रहा, चल रहे तो गाड़ियां। मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा ये दो प्लेयर पे है, बीच में जो है सपोर्ट कैसा दिए होंगे नीचे के हिस्से में। ये जो किरास जो जा रहे ना भाई, ऊपर है ये सपोर्ट, नीचे के हिस्से में ऊपर जो है जुड़ा रहा है, ऊपर जो है डामर की रोड भी है। डामर की रोड की रबर है। ब्रिज जो इतना ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा ना, उसका बस ये पानी के बॉटल से समझ में आता। आप देखिए पानी के बॉटल भी, और मेरे हाथ में जो वो हाथ भी हर रहा हुआ, पानी का फायदा ऑपरेशन हो रहा हुआ, इतना ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा हो। चलिए भाई हावड़ा ब्रिज तो देख लिए पूरा पैदल वहाँ तक जाके, और इस पर ट्रैवल भी करे। कैसा देखा डोरेमोन साहब? तो बड़ा दिखा भाई, बहुत मज़ा। तो चलिए आगे चलते, कोई दूसरे पॉइंट पर जाते आए। कोलकाता का मिनी ब्लॉग शूट करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं नागपुर के लिए, जहां हम जाएंगे नाजुद्दीन बाबा की दरगाह को। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग अभी आ चुके हैं नागपुर, नागपुर में ताजबाग दरगाह में, ताजुद्दीन बाबा की दरगाह में। अस्सलाम वालेकुम। नागपुर में बारिश हो रही है, ताजुद्दीन बाबा की दरगाह में है हम लोग। अभी हम लोग अंदर आए, दरगाह में आते ही बारिश स्टार्ट हो गई। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था लाने के लिए, तो हम आपको ज़्यारत करके चले जाएंगे बोल के आए। फिर अभी हमारा पूरा टूर ख़त्म हो चुका है वेस्ट बंगाल का, फिलहाल अब हम हैदराबाद के लिए रिटर्न होने वाले हैं यहाँ से। तो भाई हम ताजुद्दीन बाबा की दरगाह में हैं, तो देखो बारिश कितनी ज्यादा हो रही है यहाँ पर, पूरे भीग गए हमारे सेल्फी साहब, भीग के भी हार नहीं मान रहे, सेल्फी लेने में मशहूर है। कैसा दिख रहा? जबरदस्त दिख रहा, सुकून दिख रहा दरगाह को अगर ताजुद्दीन बाबा। तो चलिए हमारी ये वेस्ट बंगाल की ट्रिप यहीं खत्म होती है, होना है हमको हैदराबाद के लिए रवाना वापस। तो हमारा वीडियो अगर पसंद आया आपको तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।